हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। पैन आधार आपने लिंक नहीं किया, इसकी वजह से पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, पैन कार्ड को ऑपरेटिव करना है। ऑपरेटिव करने के लिए आपको पैन और आधार को लिंक करना पड़ेगा। कैसे लिंक करना है कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जिससे कि घर बैठे आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर पाएँ और अपने पैन को ऑपरेटिव बना पाएँ। ठीक है, तो कैसे करना है आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आना है इनकम टैक्स की पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे सीधा आ सकते हैं या फिर गूगल सर्च करेंगे इनकम टैक्स तो भी आप इस पोर्टल पे आ पाएंगे। आने के बाद यहाँ पे क्विक लिंक्स पे आपको क्लिक आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर डालना है एंड वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नोट आएगा कि अगर अभी तक आपने लिंक नहीं किया है इसलिए आपको 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनर है 500 में पे करना होगा, मेजर है 21 में करना होगा एंड अमाउंट 1000 रुपीज़। कैसे करना है हम बता ही रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद वापस आपका पैन नंबर डालना है, कंफर्म करना है पैन नंबर को। मोबाइल नंबर डालना है, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर लिख के आएगा और पैन में जो नाम है वो नाम लिख के आएगा। ठीक है, जस्ट कंफर्म करना है कि यह नाम वही है या नहीं है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स दिखेगा, यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट चूज करना है 2024-25, ये असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है। यहाँ पे पेमेंट में आपको स्क्रॉल डाउन करके ड्रॉप डाउन यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे 500 सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 500 अदर रिसिप्ट सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सब टाइप और आ जाएगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार जिसका आप फीस पे कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट्स आ जाते हैं, 1000 का ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड पेमेंट, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT, जो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूँगा। ICICI पे क्लिक करेंगे, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला 0021 होना चाहिए, ये नहीं होगा तो गलती कर रहे हैं आप, और सेकेंडली 500 होना चाहिए। ठीक है, मेजर जो हेड जो है 500, सॉरी माइनर हेड 500 होना चाहिए, मेजर हेड 0021 होना ही चाहिए, नहीं है तो वापस एक बार रीचेक कीजिए। आप स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है आपको, आप सीधा पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आता है, उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे अग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे ICICI मैंने चूज किया, तो ICICI का बेसिकली सर्फेस ऐसा आता है, आपने कोई दूसरा बैंक चूज किया रहेगा तो कोई दूसरे बैंक के हिसाब से आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मैं पेमेंट करता हूँ फटाफट, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, जैसे ही पेमेंट कर देंगे वापस यहाँ पे आ जाता है, आपका चालान डाउनलोड हो जाता है और यहाँ पे लिखता है रिटर्न टू ई फाइलिंग पोर्टल, सीधा आप इस पर क्लिक करके ई फाइलिंग पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पैन आधार को लिंक करने जाएंगे। हमने तो अभी पेमेंट कर दिया, अभी लिंक करना है। लिंक करने के लिए वापस हम जाएंगे होम पेज पे, होम पेज में जाने के बाद वापस लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वैलिड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप तुरंत वैलिड कीजिए, अगर वापस पेमेंट करने के लिए आ रहा है तो एक या दो घंटे आप रुक जाइए। ठीक है, एक दो घंटे बाद डेफिनेटली आपको आपका चालान नंबर और BSR कोड, डेट का डिपॉजिट, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, सीधा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, आपको नेम एज पर आधार यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो। इसके बाद ये लास्ट में आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके आधार पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो आपको पहला वाला ऑप्शन भी टिक करना है, नहीं है तो सीधा लिंक आधार पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर जो डाला है उस पर OTP आएगा, वैलिडेट पे क्लिक करना है डाल के, और यहाँ पे आ जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया गया है और आप 48 आवर्स बाद चेक कर सकते हैं लिंक आधार हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस आधार लिंक करने का। अगर आप खुद से लिंक कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिंक कर लीजिए। अगर आप खुद से लिंक नहीं कर पाते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करके देंगे, हमारा जो भी फीस रहेगा हम आपसे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अभी पैन आधार लिंक न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका नेम मिसमैच हो, आधार में कुछ और नाम हो, पैन में कुछ और नाम हो, या फिर आधार में कोई और डेट ऑफ बर्थ हो और पैन कार्ड में कोई और डेट ऑफ बर्थ हो, तो इस वजह से आपका पैन आधार लिंक नहीं होता है। ठीक है, अगर बाई एनी चांस इस रीजन की वजह से लिंक नहीं हुआ है तो आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में चेंजेस कराने पड़ेंगे, उसके बाद आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में जब आप लिंक करने जाएंगे तो आपको वापस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिंक कर पाएंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।